दिल्ली में आज आप आई 30 लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा कर्मठ हैं, बहुत ज्यादा दिखाई दिया जा रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं एजुकेशन को लेके, तो क्या कहेंगे कुछ हमारे जानकारी के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपने एक मन में पूरी निष्ठा के साथ में निश्चय कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो पूरी कायनात उसकी ओर आपकी मदद करने की कोशिश करती है। आप उसी किस्म के लोगों को, उसी कमिटमेंट के लोगों को अपने पास आकर्षित करते हैं, साथ में आप मिलकर काम करते हैं। कर्नल नडेला हमारे जो फाउंडर हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं बच्चों को सही एजुकेशन पहुंचाने के लिए, भारत के हर प्रांत हर गांव तक पहुंचने के लिए, ये खुद 17 साल रोज यूनिफॉर्म पहनकर हमारे देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार थे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है मेनली काउंटर टेररिज्म के अंदर काम किया है, जहाँ पे ऐसे इलाके जहाँ रोज गोली चलती है उन्हें फील्ड में जाना पड़ता था। उसी कमिटमेंट के साथ, उसी देश प्रेम के साथ वो आई स्कॉलर क्रिएट किए हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हम इसमें साथ में जुड़े हैं। बहुत अल्प समय में 150 लोकेशन, आप समझिए कि जो बहुत एस्टैब्लिश नाम है जिन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक्वायर किया जा रहा है, उन्हें 25-25-30 साल लग गए यहाँ पहुँचने के लिए। हमने 3 साल से कम में 150 लोकेशन क्रॉस कर दी, और आज जो आप जिस मंच पर आए, फंक्शन में आए, 70 नए पार्टनर जुड़ रहे हैं, तो ये हमें बहुत उन्नति मिल रही है, खूब गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों का, पेरेंट्स का, खासकर बच्चों का हमें प्यार मिला। अगर किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर रही हो तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन एक शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका योगदान इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपकी एक आवाज़ पर 50 करोड़ का फंड जो है बहुत ही कम समय में इकट्ठा हो गया, जिससे 10 करोड़ स्टूडेंट जो है लाभान्वित होने वाले हैं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना? बहुत बहुत ज़रूरी और बहुत अहम सवाल किया आपने। 15 साल पहले मैं वृंदावन गया था, वहाँ मैंने देखा कि कई छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिन्हें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचा जा रहा था, जानवरों से बुरा उनका हाल करता जा था, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, या बनुआ लेबर की तरह, जैसे आप जानवर को नहीं रखते वैसे इन बच्चियों को रखा जाता। तो हमने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, चले पहले तो हम इन्हें खाना खिला देते हैं, पहले तो हम इन्हें रेस्क्यू कर देते हैं, इनको छत दे देते हैं, लेकिन कल क्या हो, परसों क्या हो, कल अगर मैं नहीं रहा तो इनका क्या हो, ये सवाल मुझे खाया जा रहा। तब मुझे समझ में आया कि अकेले शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, विद्या ही ऐसी चीज़ है जो इस तरह का सशक्तिकरण कर सकती है कि इंसान अपने आप को ही नहीं, अपने जैसे कईयों को आगे ले जाए। 15 साल पहले जो प्रोजेक्ट डेली हमने शुरू किया है, जिसे फोर्ब्स इंटरनेशनल ने मुझे पुरस्कृत किया उस एफर्ट के लिए, टॉप 40 फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड अंडर द एज ऑफ 40, ओनली एक्टर जिसे ये खिताब मिला, वो इसीलिए मिला क्योंकि आज अगर आप देखें तो 15,000 से ज़्यादा बच्चियों को 15 साल में आज आपने फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री हेल्थ केयर देकर सशक्तिकरण कर उनका। आज कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं करीबन 200 से ज़्यादा जो विदेश चली गई हैं, US, UK, कैनेडा, वहाँ पे जॉब कर रही हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है उनको, ये जो लाइफ उनकी बनी है। और वो घूम कर वो क्या कर रहे हैं, जब वो पूछते हैं भैया हम आपने हमारे लिए इतना किया हम क्या करें, मैंने कहा मेरे लिए मत करो, ये जो तुम्हारी तरह छोटी छोटी बच्चियाँ और हैं इनके लिए, और इसीलिए एक साइकिल बन गई है। जो बच्चियाँ सक्सेसफुल हो रही हैं, जो लेवल तक हो रही हैं, कोई 100 रुपये बेच सकता है तो 100 रुपये, कोई 1 लाख रुपये बेच सकता है तो 1 लाख रुपये, खुद ही इसे चला रहे हैं, इस संगठन को खुद ही ऑटो पायलट पे वो मिलकर चला रहे हैं, एक आर्मी की तरह, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आर्मी की। यही चीज़ अगर आप नेशनल लेवल पे स्केल करना चाहते हैं, गरीब घर का, पिछड़े समाज का, अगर कोई बच्चा आज IIT कर लेता है तो ना ही वो अपने घर की, अपने परिवार की, बट अपने गाँव की, अपने समाज की इज्जत को दुगनी तिगनी कर देता है, और इतने बैरियर को हम ये चाहते हैं। आज आप, आपकी फैमिली अगर आज आपको सपोर्ट नहीं करती तो आज आप इस तरह माइक पकड़ के कॉन्फिडेंटली पूरी दुनिया के सामने सवाल नहीं पूछ पाते, अगर आपकी फैमिली आपको बोलते नहीं ये जॉब नहीं कर सकते आप। इसी तरह बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि भाई जो गाँव में पढ़ना है पढ़ लो, हम तुमको शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। जो जेंडर डिवाइड है बहुत स्ट्रांग है, अब बच्चों को भेज देंगे कोटा फैक्ट्री पढ़ने के लाखों रुपये खर्चा करके, बेटी को बोलेंगे नाक के नीचे रहो,
तो उनके पेरेंट्स को किस तरह से आप लोग मतलब उनको बताते हैं कि नहीं आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए और पढ़ाइए आगे पढ़ाइए? हमारा फोकस जो है वो ये है कि जैसे अगर आप आज जैसे भागलपुर में क्लासेस के लोग आए, अब कई बच्चियाँ हैं जो वहाँ पढ़ना चाहती हैं, IIT JEE नीट पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती हैं, पेरेंट्स ये नहीं कहते मत पढ़ो, कहते हैं यहीं लोकली पढ़ो। अब जो लेवल का टीचर आपको वहाँ मिले वो आपकी किस्मत, लेकिन अगर हम उनको देते हैं एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, हम उनको देते हैं एक ग्लोबल करिकुलम और उनको इतनी सपोर्ट देते हैं, इतने सारे पॉजिटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से सपोर्ट देते हैं और लोकली पढ़ा पाते हैं, लोकली सेंटर खोल के उन्हें IITian बच्चों से, IIT टीचरों से, नीट के टॉप टीचरों से संपर्क कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका स्तर भी बढ़ जाता है। क्यों करूँ सबसे कह रहा हूँ मैं, आपने बताया कि हमने बहुत से इंस्टीट्यूशन जोड़ रहे हैं, लगातार जोड़ रहे हैं, IIT JEE के जितने भी, कई बार देखा जाता है ग्लोबलाइजेशन पर देखा जा गया है कि कई बार एग्जाम एक्चुलाइज होता है और उसमें कई बार सेंटर्स के बहुत बड़े नाम आते हैं, तो आप सेंटर को जोड़ने के लिए किस तरीके का फोकस करते हैं, उनको रिसर्च किस तरीके से करते हैं? ये एक तो ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरा टीचर का कमिटमेंट, जिस टीचर ने अपने पिछले 5, 10, 15 साल जितने टीचर अभी यहाँ देखे हैं वो सब 5-10 साल से कम कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और जी जान से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे अभी हमने एक देखा कि 347 बच्चों में से 70 बच्चे क्लियर हुए, तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज, अगर पाई चार्ट देखें तो बहुत बड़ा परसेंटेज ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि दे आर डूइंग समथिंग करेक्ट, बच्चों को सही तरह की शिक्षा मिल रही है। इसी तरह से हम अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि ये अभियान, ये मिशन और जोरों शोरों से और जल्दी आगे बढ़ पाए और बच्चों को लाभ। ऑल ओवर इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट हैं, मतलब कितने सेंटर हैं इसके? 150 ऑल ओवर इंडिया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट आपको लगा ही लगा था, और डिजिटल एजुकेशन पर जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात लगातार की जा रही है, लेकिन इस पर बड़ा देखा है कि बहुत बड़ा वर्ग है इफेक्टिव भी हो रहा है जिसमें टीचर की संख्या, तो आप क्या कहना चाहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है?